सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए एक मेन पॉइंट रहेगा कि आपको कौन सा पेन लेके जाना है। ठीक है, तो ब्लू या ब्लैक पेन में से दोनों में से एक ही पेन ले जा सकते हैं, वो है ब्लू। ब्लैक पेन अलाउड नहीं है। जब मैंने पिछले साल एग्जाम दिया था इंप्रूवमेंट का, तो हमसे ब्लैक पेन ले लिया गया था, पर लेकिन जैसे 5 एग्जाम होते हैं, तो मेरे 5 सब्जेक्ट में एग्जाम था, पर मेरे से आई थिंक 3rd या 4th एग्जाम में ब्लैक पेन लिया गया। 1st और 2nd एग्जाम में मैंने ब्लैक पेन भी यूज़ किया था, क्योंकि ब्लैक पेन मुझे आ जाता है ब्लैक और बोल्ड दोनों से लिखने की। ब्लैक पेन से हाईलाइट हो जाती है चीज़ें, क्वेश्चन अगर मार्क करना है या पॉइंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हाईलाइट कैसी होगी चीज़, ब्लैक पेन से ही होगी। तो ब्लैक पेन यूज़ करना मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, और ब्लू के जो है हम आंसर दे सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया बोर्ड ने इसे क्यों मना करा, उस समय मुझे इस चीज़ को समझ नहीं आया था कि ब्लैक पेन हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो ये जो रूल है सीबीएसई का, मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्लू और ब्लैक दोनों अलाउड होनी चाहिए, ताकि बच्चे अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें। अब जैसे अगर आंसर लिख रहे हैं हाईलाइट नहीं होंगे तो मार्क्स कट सकते हैं, हाईलाइट करने के लिए दूसरे कलर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ब्लैक पेन आप सभी ना लेके जाएं, अगर लेके जाएं तो अपने साथ रखें, अगर वहाँ पे अलाउड होता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अगर अलाउड नहीं है मना कर जा रहा है तो उसे यूज़ ना करें। बाकी आप आंसर लिख सकते हैं ब्लैक से भी, बोल ब्लैक और ब्लू दोनों से भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली चेक होगा। हाँ, अगर क्लास में मना कर जाता है, आपको कहा जाता है कि ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, तो उस समय आप नहीं करिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो आपसे ले सकते हैं। दूसरी बात रहती है कि मैंने देखा है कि ये बताया जा रहा है कि जो पेन है उसकी इतने एमएम का पेन लेके जाना है, और जो ब्लू है उसको भी अलग से डिफाइन करा गया कि रॉयल ब्लू और इस तरह का ब्लू लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू पेन जैसा ब्लू पेन होता है वो लेके जाना है। अब रॉयल ब्लू ऐसे तो बहुत सारे शेड्स आते हैं, उसमें थोड़ा बच्चे सब परेशान हो जाएंगे कौन सा शेड लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं होगा कौन सा ब्लू है और कितनी एमएम का उसका पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। निप जो होगी जैसे नॉर्मल आपका पेन होता है जाके ले जा सकते हैं, ऐसा कोई वहाँ पे अलग से चेक नहीं होगा। बस ये है कि आपकी जो पेन होनी चाहिए वो ब्लू होना चाहिए, जो हम सिंपल यूज करते हैं। अगर आपको समझ आया, कोई डाउट कमेंट कर सकता है, नोटिस होता है।